ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है ओड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा नवरात्रि के पहल दिन अपन पहल सूची जारी की गए और दूसरे कई सूची की जारी होते ही कांग्रेस में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। बता दें कि बगावत शुरू हो चुकी है कांग्रेस में, जहां मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव के द्वारा इस्तीफा दे दिन गए थे। मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम कही थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि अजय यादव खरगापुर से टिकट के मांग करत रहे पे उनका पार्टी के द्वारा टिकट नहीं देंगे। इसके साथ ही अजय यादव के द्वारा आरोप लगावा गया कि कांग्रेस के द्वारा ओबीसी वर्ग के उपेक्षा किए गए, पार्टी के द्वारा वो लोगन का टिकट दिन गया है जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। अजय यादव के द्वारा मीडिया से चर्चा करके आरोप लगावा गया कि टीकमगढ़ में ओबीसी मतदाता ज़्यादा हैं पर पार्टी के द्वारा 3 सीट पर एक ही वर्ग के लोगन का टिकट दिन गया है। अपना को बता दें कि कांग्रेस के द्वारा खरगापुर से चंदा सिंह गौर का अपन उम्मीदवार बनावा गया है, जिसके बाद अजय यादव के द्वारा पार्टी का अलविदा कह देंगे। सूची जारी होने के बाद अभी पहल बया रहा है कि कांग्रेस के विकेट गिरा है। अभी आने वाला वक्त बताई कि कांग्रेस की कितना लोग पार्टी का छोड़ सका था या फिर पार्टी से बगावत कह सका था। मध्य प्रदेश चुनाव के खातिर कांग्रेस के द्वारा भले अपने प्रत्याशी के नाम के घोषणा कह गए पे लिस्ट के आए के बाद बीजेपी को बता दी कि एक बड़ा झटका लगा है, जहां बीजेपी में सूची जारी होने के बाद बगावत के सिलसिला जारी है और यह चलते जा रहा है। महाकौशल ने बता दी कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा झटका लगा, जहां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दें इजाजत, प्रणाम।